अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अपनी शर्ट के ऊपर किसी भी किस्म का पैटर्न कैसे लगाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे फ़ोटोशॉप CS6 के अंदर। तो ये हमारी एक जो है फ़ोटो है, इसके ऊपर मुझे पैटर्न इसकी शर्ट का जो है वो चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं लेयर पे जाऊंगा, कंट्रोल J से इसकी कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पर जाकर इसे सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल सी से इसकी कॉपी बनाऊंगा, वापस अपने इधर आऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, वापस से अपनी फ़ोटो के ऊपर जाऊंगा, क्विक सिलेक्शन टूल से अपनी शर्ट की जो है सिलेक्शन कर लूंगा। मेरी शर्ट की जो है वो सिलेक्शन हो गई है। अब यहाँ से हमें इसकी लेयर लेनी है, लेयर मास्क पे जाके मैं इसकी लेयर ले लूँगा। लेयर इसी मैंने एक ले ली है। अब यहाँ से अपने प्रिंट के ऊपर जाता हूँ, इसे अपनी शर्ट के ऊपर जो है एडजस्ट कर लिया। अब माउस को यहाँ पर लेकर आना है, ऑल्ट का बटन दबाना है और जब मैं इस माउस को ऊपर की तरफ को लेकर जाऊंगा तो ये निशान बना हुआ आ जाएगा और इसे जो है एक दफ़ा क्लिक कर देना है। तो ये मेरी शर्ट के ऊपर जो है अप्लाई हो गया। यहाँ से इसकी ओपोसिटी को 95 पे कर रहा हूँ मैं। इसे भी 95 और अभी वापस अपनी शर्ट के ऊपर जाना है। मैं इसे भी मल्टीप्लाई पे कर देना है और ये देख सकते हैं हमारी शर्ट के ऊपर जो है पैटर्न अप्लाई हो गया है। आप ऐसे ही अलग अलग किस्म के पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दो किस्म के पैटर्न अप्लाई किए, देख सकते हैं आप।